इमरान खान के जलसे में चार लोग जो है फौत हो गए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। सर क्या हुआ आप भी जरा बता दे हमें। मुझे नहीं पूछना, मैंने आपको बताया, मैं तो गल भी नहीं करनी, मेरी तो गल तुसी सुनने भी नहीं। नहीं पूरी गल सुनांगे। नहीं सुनोगे तुसी गल मेरी। चार बंदे इमरान खान के जलसे दे बीच आपने आपको आपने कहना सेहत कार्ड पहले नवाज शरीफ ने दिया था। क्या नाम था उसका? मैं आपको दिखाता हूँ सेहत कार्ड हम देखने लगे हैं। सेहत कार्ड अभी हम आपको दिखाएंगे जो नवाज शरीफ साहब ने उसका इजरा किया था। कौन से ईयर में किया था सर? आप इधर बैठे, मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए अभी हम आपको सेहत कार्ड दिखाने लगे हैं जो कि नवाज शरीफ साहब ने उसका इजरा किया था। आप भी हमें कमेंट्स में जरूर बताएंगे किस किस को वो सेहत कार्ड जो है वो मिला। पीटीआई की आप लोगों ने सच्ची बात कभी ना सुनी है तो ना सच्ची बात को सच्चा माना है। कौन से साल में दिया ये ले? 2017 में दिया। इंशाल्लाह किसी को इलाज के लिए घर का सामान। इंशाल्लाह किसी को इलाज के लिए घर का सामान नहीं बेचना पड़ेगा। आज जिला क्वेटा के 76,000 खानदानों को हेल्थ कार्ड जारी किए जा रहे हैं कि वो आवाम जो प्राइवेट अस्पतालों से इलाज कराने की ताकत और इस्तेदाद नहीं रखते अब उन्हें अस्पतालों से इलाज की सहूलत मिल सकेगी। प्राइवेट अस्पतालों से भी थी? हाँ जी प्राइवेट। अच्छा दूसरी बात जो आप बात करते हैं ना शौकत खानम हॉस्पिटल का, इसके लिए भी 50 करोड़ रुपया नवाज शरीफ ने उसको दिया। ज़मीन भी उसको नवाज शरीफ ने दी 1987 में। नवाज शरीफ ने उसको प्लाट भी दिया। अगर आप उसका भी सबूत कहते हो तो इमरान खान खुद कह रहा, आप कहती हैं तो दिखा देता हूँ आपको। आम क्लियर हो जाए ना कि जिन जिनको जरा जो है ना आप लोग उनको क्लियर नहीं करते जो पीटीए आप करें। हम आपको पूरा पक्का दे रहे हैं और हम हमारी किसी आप टेंशन ना लें। अब हम आपको दिखाएंगे जो खान साहब को प्लॉट दिया गया और जो ज़मीन दी गई और जो पैसे दिए गए शौकत खानम अस्पताल बनाने के लिए, तो वो भी तमाम लोग अब देखने वाले हैं। अगर मुल्की वज़ीर आज़म मरियम नवाज़ को बना दिया जाए कैसा लगेगा? मरियम नवाज़ वज़ीर आज़म बनना है नहीं, नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म बनना है। मरियम नवाज़ ने क्यों बनना है वज़ीर आज़म? नवाज शरीफ साहब तो नाअहल है। नवाज शरीफ तो 2002 में भी नाअहल हो गया था, मुशर्रफ ने किया था। तो अब कब तक वापस आके? चलो अल्लाह खैर करेगा। नवाज शरीफ ने भेजा भी इमरान खान ने, असी थोड़ी बार भेजता हूँ। वोट हमने जिसको दिया वो जीतते ही अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक तो जिसको दिया हमने इमरान खान को देते हैं, हम नवाज शरीफ को देते हैं। इमरान खान को क्यों वोट देना सर? पिछली बार कैसे नहीं जीते फिर वोट? जिसको हमने वोट दिया वो तो बंदा जीता ही है ना। वो इस बार भी जीतेंगे इंशाल्लाह ताला। सर मुझे ये बताया गया कि जैसे खान साहब के घर के ऊपर हमला किया गया, आपके ख्याल में वो जस्टिफाइड? नहीं ऐसे ही हमला इन्होंने जाति उमरा पे भी किया था, वो जस्टिफाइड थी। कब किया था? जब इमरान खान की हुकूमत थी सर। उनके घर का गेट तोड़ दिया था? मैं कहता हूँ देखो जी, जिसने बुरा काम किया ना, नवाज शरीफ को इन्होंने 2 साल अंदर रखा, मरियम नवाज को इन्होंने 2 साल अंदर रखा, हमजा शहबाज शरीफ को रखा, तो इनको बाहर किन्होंने निकाला? नवाज शरीफ को किसने बाहर भेजा? मैंने भेजा, आपने भेजा, ये भाई ने भेजा, किसने भेजा बाहर? इमरान खान ही वजीर आजम था ना, इमरान खान ने बाहर भेजा ना, और हमने तो नहीं। सही अच्छा किया ना उन्होंने? कैसे अच्छा? वो तो कहता था ये चोर है, उसने क्यों बाहर भेज दिया? गलत किया फिर? मैं तो यही कह रहा हूँ, ये तो इमरान खान से पूछे ना। इमरान खान आपके ख्याल में दुरुस्त किया या क्रिकेट की तरह इमरान खान रंग बदलता है? ये सिर्फ एक झूठा इंसान है, ये एक पूरी यहूदियों की एक लाबी का एक एजेंट है। कभी ये कैसे पता चला? आप देखें, आपको आपने अभी 4-5 दिन पहले एक बच्चे की तकरीर सुनी है, कल इजाज चौधरी कह रहा था कि जी ये तकरीर हम नहीं इसको मानते। अब मेरी दुकान पर एक बंदा आके को गुस्ताही करे नबी पाक की, तो बाद में मैं उसको मारने की बजाय मैं उसको कहूँ कि मैं नहीं इसको मानता। वो मेरे अंडर में वो बच्चा तकरीर कर रहा है, इतने समझदार बंदे उधर खड़े हैं, उन्होंने से किसी ने उसको मना नहीं किया कि मेरा बेटा ऐसी बात नहीं करते। इमरान खान तो उनके पाँव की खाक भी नहीं है, जहाँ से वो गुजरे हैं ना वो मिट्टी पाक हो गई है। लेकिन वो इमरान खान के जितने बंदे उधर हंस रहे हैं। अब आज एक बंदा है, उसने कलमा पढ़ा जी, कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इमरान खान ने मुल्क का कर्जा उतारा। अच्छा इमरान खान यही कहता रहा कि 30,000 अरब कर्जा जी मुल्क का कर्जा, जब वो आया, जब वो गया तो उसको कर्जे को अगर तो 29 हो गया तो फिर तो चलो जी कम हो गया। लेकिन किस्तें देनी होती जो आपके ऊपर उसका डेप्ट कर्जा? देखे जी यही किस्तें नवाज शरीफ के दौर में भी थी।
स्टेट बैंक की वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ है कि सबसे ज्यादा तारीखी कर्जा खान साहब, देखो जी सबसे तारीखी कर्जा लिया भी इमरान खान ने, जब वो गया वो 30,000 अरब से कर्जा बढ़ गया, 54,000 अरब पे चले गया, जब वो आया तब था 30,000। इमरान खान के बकौल ही बात कर रहा हूँ ना, देखे ये बातें, पता क्या बात है, हम लोग एक बंदे ने बात की, देखो वो कहता है हम लोग जो है ना, हम लोग गलत को गलत नहीं कहते, हम लोग जो नवाज शरीफ के बंदे ना वो कहेंगे ये नवाज शरीफ अच्छा, जो पीटीआई के बंदे हैं वो कहेंगे पीटीआई अच्छे। अच्छा इमरान खान ने जितनी बातें की उन्होंने तो काम किया इस मुल्क पे, क्या क्या काम उन्होंने, अच्छा जी जब ये इंडिया का जहाज जब हमने गिराया है, ये अभिनंदन जो था इमरान खान ने छोड़ा है, वो जहाज किसने लेके आया था इधर मुल्क में, जिस त्यारे से पाकिस्तान ने उसके जहाज को गिराया F-17 कौन लाया था, इमरान खान लाया था, कौन लेके आया था, नवाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ ही लाया था, आपको नहीं पता, इस मुल्क को एटमी धमाके 5 मुकाबले में 6 दिए नवाज शरीफ का, जब इमरान खान के वालिद साहब के पास साइकिल भी नहीं थी ना, तब भी नवाज शरीफ वगैरह के पास इत्तेफाक फाउंड्री थी, नवाज शरीफ के वालिद ने बहुत कुछ किया है।